हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति महेंद्रू। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं। आपने अभी तक मेरी प्रेगनेंसी न्यूज़ वाला, बेबी शावर वाला और हमारा बेबी मून वाला और छोटे मोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देख लिए होंगे। उसी के साथ, क्योंकि सिंस आई एम इन माई 9th मंथ, तो मैं अपना अब बेबी का और अपना जो भी सामान चाहिए वो पूरा शॉपिंग कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। ऑलमोस्ट हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ऑनलाइन लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑफलाइन लिए है। सो मैंने सोचा क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी जाए। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ना इसमें बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आने वाली है। बहुत बहुत रिसर्च करके, काफ़ी मतलब अपने डॉक्टर्स से पूछ के, कंसल्टेंट से पूछ के, बहुत सारी वीडियोज़ देख के और बहुत सारी जगह से पढ़ने के बाद मैंने ये सब सामान लिया है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ऑफलाइन आपको क्या क्या सामान मिल सकता है, बिकॉज मैंने आसपास देखा जो भी रीसेंट मॉम्स हैं या मॉम टू बी हैं वो सब फुल्ली रिलाई कर रही हैं आजकल ऑनलाइन पे। तो आई थॉट कि मैं ये वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफलाइन भी काफ़ी सही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल हैं। अब मैं तो मार्केट नहीं जा सकती थी, तो इसलिए मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया था, वो जाके मैंने उन्हें समझा दिया था मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि एक्स्ट्रा स्टफ मत मंगाइए। बट आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि अरे हमारे यहाँ तो पहले से शॉपिंग नहीं करते वगैरह वगैरह, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है वैसे तो। बट आप ये सोचिए कि जब हॉस्पिटल जाना पड़ता है सडनली या उसके कुछ टाइम तक, आप उस कंडीशन में नहीं होते, सिचुएशन में नहीं होते हैं, एंड जो बेबी को सामान चाहिए वो तो चाहिए ही होता है ना। खैर आगे बढ़ते हैं और मैं आपको चीज़ें दिखाना शुरू करती हूँ। आप भी अपने आसपास की मार्केट्स में सर्च करिए, ऑनलाइन के साथ कंपेयर करिए। मैंने प्राइस कंपेयर के जो जो चीज़ें मुझे ऑफलाइन में ज़्यादा रीजनेबल पड़ रही थी वो मैंने मंगा ली। तो इस वीडियो में सिर्फ हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या सामान ऑफलाइन मिल रहा है और बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है। एटलीस्ट जो 30-40 डेज होते हैं वो कट जाए, एंड उसके बाद तो फिर वो नया सामान आ ही जाता है, जैसे जो भी छूचक वगैरह में आता है। तो मुझे था कि एटलीस्ट 1 मंथ बेबी का निकल जाए कंफर्टेबली। और हाँ, ये शॉपिंग लिस्ट आपकी थोड़ी सी इधर से उधर हो सकती है कि आपकी डिलीवरी किस महीने में होने वाली है, किस वेदर में है, तो कपड़े से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी इधर उधर हो सकती हैं, तो आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं या फिर स्विच कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है बेबी के लिए। सो वैसे तो बहुत थोड़े से कपड़े हमारे, आपने बेबी शावर के जो गिफ्ट ओपनिंग वाले वीडियोस हैं वो देख ही लिए होंगे, उसमें भी थे। बट अभी क्योंकि मेरा डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं हुआ है कि कितने दिन का स्टे होगा एंड कितनी जोड़ी कपड़े मुझे चाहिए होंगे, और फिर ऑब्वियसली घर आते ही भी चाहिए, न्यूबॉर्न बेबीज़ के तो बहुत जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करने होते हैं। सो इसलिए ये कपड़े हमने मंगवा लिए हैं 0 to 3 months वाले। मैं आपको थोड़े बहुत ओपन करके दिखा देती हूँ। ये वाले सारे कपड़े ऑफलाइन हमने शॉप किए हैं, आप लोग भी आजू बाजू अपने घर के आसपास जो भी मार्केट है वहाँ से देख सकते हैं। सो अगेन वी डोंट नो कि बेबी गर्ल है बेबी बॉय है, तो मिक्स्ड कलर्स हमने लिए हैं। ये जैसे हैं ये बहुत ही कंफर्टेबल साइज का, मैंने हमने 5-6 packets मंगा लिए हैं। मैं आपको एक ओपन करके दिखाती हूँ, बहुत ही क्यूट लग रहा है। और हाँ, मैंने ऑलरेडी जो बेबी का डिटर्जेंट होता है वो मंगा लिया है, एंड उसके अंदर मैं इनको वॉश करके रख दूंगी पहले ही, जिससे कि अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ या मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना हो चीज़ें ढूंढने में और अरेंज करने में। और ये बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ अगर आप ब्रांडेड, हमने ना मिक्स करके लिया है, थोड़े से ब्रांडेड कपड़े भी लिए हैं, थोड़े से नॉन ब्रांडेड भी लिए हैं, क्योंकि देखो छोटे बच्चे तो बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, वो ज़्यादा नहीं पहनने होते उन्हें ये कपड़े। बट ये कंफर्टेबल होने चाहिए, फैब्रिक ऐसा होना चाहिए। तो ये देखिए बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक है। तो ऐसे हमने 5-6 set ऑलरेडी ले लिए हैं। जैसे कि मैंने बोला, हमने कलर्स मिक्स करके लिया है, बिकॉज वी डोंट नो दी जेंडर येट। उसके बाद एक ये सेट है जो हमने मंगाया है, एंड इसके अंदर 3 पीस हैं। ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये जो है सिर्फ शर्ट के सेट्स हैं, तो अगर आपने जैसे नैपी पहनाई हुई है, क्लॉथ नैपी है या जो डायपर है उसके साथ आप पहना सकते हो।
एंड ये भी बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, कलर्स मिक्स हैं आपके। सो ये जैसे आपको पता है आजकल वंसीज का बड़ा ट्रेंड है एंड मुझे भी ये कंफर्टेबल लगते हैं देखने में। जितना मैंने रिसर्च किया सबका कहना है कि डाइपर्स वगैरह चेंज करना इजी रहता है इसमें से। सो ये दो वंसीज मैंने अभी फिलहाल के लिए मंगाए हैं जो कि है हाफ वाले, क्योंकि अभी उतनी ठंड है नहीं और होने भी नहीं वाली है मोस्ट प्रोबेबली। अगेन बहुत कंफर्टेबल है, कलर बहुत प्रिटी है, कलर तो वैसे छोटे बच्चों के कपड़ों में सभी प्रिटी लगते हैं। और ये दो मैंने मंगाए हैं फुल वंजीज, शुरू के तो उसमें टाइम निकल ही जाएगा मुझे पूरा उम्मीद है। एंड अगेन बहुत बहुत कंफर्टेबल है। ये वाइट है, आई नो थोड़ा गंदा हो जाएगा बट क्यूट लग रहा है वाइट कलर भी ना बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही हमने थोड़े से फुल सेट्स भी मंगवाए हैं जिसके अंदर आपका बूटीज कैप्स ये सब साथ में आते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जल्दी से। एक तो ये रहा फुल सेट, ये मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इसमें कैप है ये देखिए, पूरा आपका सेट है एंड ये भी फुल है क्योंकि बेबीज के लिए तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी ठंड रहती ही है। उसके साथ ही ये एक और फुल सेट है जिसमें आपको दिख रहा होगा सारा सामान है। अभी अब मैं इसको जब वॉश करूँगी तो तब मैं इसको ओपन कर लूँगी, बट बड़ा क्यूट सा है। इसके साथ ही मैंने अभी ये दो जो बच्चों के बनियान होते हैं 0 साइज के वो मंगा लिए हैं। ये तीन तीन पीसेस के तो टोटल 6 हैं अभी फिलहाल के लिए। मैं एक पैकेट आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक तो ये छोटे बच्चों के कपड़े इतने क्यूट होते हैं ना, इतना अच्छा लगता है देख के ही। अभी जब मैंने हमारे को जो बेबी शावर में गिफ्ट्स मिले थे वो सब अरेंज किए थे, को वॉश किया था, उसमें भी इतने क्यूट क्यूट छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, तो अच्छा लगता है देख के। ये देखिए, ये ना मैंने 2 सेट फिर भी मंगा लिया। मोस्टली ना मेरे पास और भी जो मैंने सामान मंगाया है या आपने देखा होगा अभी जो फुल सेट्स मंगाए हैं उसमें आपका बूटीज कैप वगैरह सब कुछ है, बट स्टिल मैंने 2 पैक्स मंगा लिए हैं इसके कि इन केस अगर जिस चीज़ के साथ नहीं आया है, वैसे तो कैप अगर गंदी नहीं हुई है आप वॉश करके, मतलब ऐसा नहीं है दिन में 5 बार चेंज करनी पड़ती है, सो आपको उतने सारे कैप्स वगैरह की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैंने 2 सेट एक्स्ट्रा मंगवा लिए हैं। ये देखिए, अब ये सब वॉश होके मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी हॉस्पिटल बैग की, और इवन जो मैंने ऑनलाइन सामान मंगाया है उसकी भी। अगर आप चाहते हो कि वो वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ये मैंने 4 पेयर सॉक्स मंगा लिए हैं। सॉक्स इसलिए मंगाए हैं कि कभी कभी अगर थोड़ा ठंडा वेदर है या बाहर हम जा रहे हैं कहीं पे बाहर, मतलब शुरू में तो कहाँ ही ज़्यादा बाहर जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये सॉक्स हैं इन केस अगर सॉक्स की ज़रूरत हो तो मैं ये पहना सकूं। बहुत छोटे हैं, इन केस अगर ज़रूरत नहीं भी पड़ी तो ये 1-2 महीने बाद काम आ जाएंगे बेबी के। अगेन कलर एंड फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। इसके साथ ही ना ये मैंने मम्मी से मंगाया नहीं था बट उन्होंने देखा तो वो ले आई और बहुत थॉटफुल लगा, एंड मैंने किसी वीडियो में ये नहीं देखा है तो आप लोग के लिए भी मतलब ये इन्फॉर्मेशन है। ये ना सॉक्स हैं और मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये इस तरह के सॉक्स हैं देखिए, एकदम फिटेड रहेंगे। सो एक्सपीरियंस यहाँ काम आता है, तो मम्मी ने कहा कि जैसे जो हम पहनाते हैं सॉक्स वो बच्चा बार बार गिरा देता है कि शूज़ बूटीज वगैरह गिरा देता है, तो ये इस तरह के सॉक्स हैं ये गिरेंगे नहीं, तो ये मुझे काफ़ी सही लगे और थॉटफुल लगे। ये मैंने सच में किसी वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं देखी थी, अदरवाइज आपको इधर उधर से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट ये सॉक्स मुझे काफ़ी सही लगे। अब चलते हैं और चीज़ें देखने के लिए। ये है नैपिस के पैकेट, नैपिस तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, तो मैं एक ये वाली, दोनों अलग तरह की हैं, ओपन करके दिखाती हूँ। ये सिंपल नैपिस है देखिए, अगेन सबसे इम्पोर्टेंट होता है फैब्रिक कंफर्टेबल हो, कलर निकलने वगैरह वाला ना हो, स्किन पे हार्श ना हो। एंड मेरा सजेशन है जब भी आप बेबी को फर्स्ट टाइम पहनाएं उससे पहले एक बारी बेबी वॉश से
मतलब जो भी डिटर्जेंट है, लिक्विड वॉश है बीबी वाला, उससे वॉश जरूर कर लें। उसके साथ मुझे ये वाले नैपिस भी बड़े अच्छे लगे। अब ये वाले नैपिस ना ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बट मैंने देखे बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, और सरप्राइजिंगली मुझे ऑफलाइन में ये काफ़ी बजट फ्रेंडली पड़ गए। अब ये नैपी देखिए बड़े कंफर्टेबल हैं, ठीक है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, और इसके अंदर ये एब्जॉर्बेंट भी लगा हुआ है, तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि बेबीज को हमेशा डायपर पहना के रखें, सो ये इसके अंदर ऑलरेडी है। ये भी मैं बेबी के लिए हॉस्पिटल ले जाने से पहले इसको वॉश मैं कर दूंगी, और देख लूंगी मैं कि मतलब वॉश करने के बाद ये कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है। इसके 2 पैकेट मैंने मंगा लिए हैं, और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी। ये 2 हमारे हैं बेबी टॉवल, ये भी मैंने ऑफलाइन ही लिए हैं। मैं इसमें से आपको एक ओपन करके दिखा देती हूँ। ये हुड वाला टॉवल है जिससे आप बेबी का सर कवर करते हैं एंड उसको फिर रैप कर लें। और पीछे से देखिए कितना क्यूट डिजाइन्स बने हैं इस पे। ऐसा एक और मैंने लिया अभी के लिए, इतनी इनफ है आई थिंक। उसके साथ ही ना मैंने ये मसलिन क्लॉथ मंगाया है, ये बड़ा ऑनलाइन चल रहा है एंड मुझे भी काफ़ी इंस्टाग्राम पे एड्स वगैरह आने लगे, क्योंकि क्या होता है ना जब आप बेबी और प्रेगनेंसी रिलेटेड कंटेंट देखते हैं तो उस तरह के एड्स ज़्यादा आते हैं, तो मैं मंगाने भी वाली थी। अच्छा हुआ मैंने नहीं मंगाया, मुझे यही था कि पहले ऑफलाइन देखती हूँ। काफ़ी काफ़ी प्राइस में डिफरेंस था। अब ये ना मसलिन क्लॉथ्स होते हैं, जिनको भी नहीं पता है, इसको आप बेबी को क्लीन करने के लिए या बर्ब क्लॉथ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बर्ब क्लॉथ क्या होता है कि आप अपने शोल्डर पे रख लेते हैं बेबी को बर्ब कराने से पहले, एंड उसको फिर बर्ब आप करा सकते हैं, क्योंकि कई बार वो फटा हुआ दूध निकल जाता है। और अदरवाइज अगर आपको बच्चे को वाइप करना है तो भी आप ये यूज़ कर सकते हो। ये देखिए क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये डबल है देखिए। ये मैंने बूटीज मंगा ली हैं, मुझे पता है अभी बेबी के इतने काम नहीं आएंगे, मुझे था कि एटलीस्ट एक पेयर बूटी तो होना चाहिए। अब बढ़ते हैं बाकी जो डेली का इम्पोर्टेंट सामान होता है उसकी तरफ। ये देखिए आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने रिसर्च करी होगी उन्होंने देखा होगा कि स्टील की बॉटल काफ़ी अच्छी रहती है बेबी के लिए, बट कुछ ऑफ कोर्स इसके भी रहता है कि इसको स्टरलाइज करने में थोड़ा सा होता है कि उबले हुए पानी में करना है या कैसे करना है, बट फिर भी मैंने ये ऑनलाइन नहीं मंगाई बिकॉज मुझे ऑफलाइन बहुत अच्छी मिल गई थी। जो मैंने दूसरी सिलिकन वाली मंगाई है वो मैंने ऑनलाइन मंगाई है, वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर दिखा दूंगी। अब अगर आपने बॉटल मंगाई है तो बॉटल को क्लीन करने के लिए ब्रशेज भी मंगाने पड़ेंगे, तो वो भी आप ऑनलाइन ज़्यादा जाके खर्चा मत करिए, ऑफलाइन मिल जाएगा। ये देखिए मैंने पूरा सेट मंगा लिया है, तो अगर आप लोग देख पा रहे हैं इसमें 4 ब्रशेज हैं एक्चुअली, 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि अभी तो ये सबसे छोटी बॉटल है, जैसे धीरे धीरे बॉटल का साइज भी चेंज होता है आप लोगों को पता ही होगा, सो ब्रश भी आप चेंज कर सकते हैं छोटी बॉटल्स के लिए भी एंड बड़ी बॉटल्स के लिए। ये जो चीज़ है ना ये बड़ी यूजफुल है, ये आपको वैसे ऑनलाइन भी मिल जाएगी एंड ऑफलाइन भी मिल जाएगी। ये फिंगर ब्रश होता है, ये देखिए ये इसका केस है, इसमें आप क्लीन करके रख सकते हैं। एंड ये जैसे बच्चा दूध पीता है दूध जम जाता है, उसको जो मुंह है टंग है थोड़ा क्लीन करना है आपको, सो वो इधर से और इधर बहुत छोटे छोटे, यहाँ तो प्रॉपर ब्रिसल्स है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स है, उन दोनों साइड से आप क्लीन कर सकते हैं। सिंस इट्स अ सिलिकॉन तो आप इसको स्टरलाइज भी कर सकते हैं, स्टरलाइजर मैंने ऑलरेडी ले लिया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कौन सा लिया है और क्यों लिया है। और इसको क्लीन करना आसान है, इससे बेबी का टंग और माउथ क्लीन करना भी इजी रहता है और सेफ रहता है इस केस के अंदर, ये तो आप ज़रूर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने आई एम श्योर अगर आप भी अपने बेबी के लिए या होने वाले बेबी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं ये चीज़ आपको ज़रूर ज़रूर दिखी होगी। क्या होता है कि छोटे बेबीज़ के नेल्स जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और उस पे नेल कटर वगैरह यूज़ नहीं हो पाता है, तो हम उस तरह का ट्रिमर यूज करते हैं। और ये जो आप अलग अलग कलर्स देख रहे हैं इसमें, ये बेबी की एज के हिसाब से होते हैं कलर्स, ठीक है। तो ये भी मैंने ऑफलाइन ही मंगा लिया है और ये बिल्कुल वैसा ही बॉक्स है जो ऑनलाइन मिल रहा है ब्रांड्स के नाम पे, और इसमें हर कलर का लिखा भी है कि किस एज ग्रुप के साथ आप वो कलर यूज कर सकते हैं, बैटरी ऑपरेटेड होता है।
ये मैंने तीन तरह की शीट्स मंगाई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वाली बता देती हूँ, ये जो शीट है ये छोटी शीट है, ये जैसे अगर बेबी को आप कहीं पे भी लेटा रहे हैं, कहीं पे भी लेके जा रहे हैं, तो उस टाइम पे ये काम आती है। और ये जो शीट है, आई नो ये भी ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा चल रही है, ये फुल बेड की शीट है, तो मैं इसको बेडशीट के नीचे फुल बेड पे बिछाने वाली हूँ। क्योंकि कई बार ही होता है कि छोटे बच्चों के साथ दूध गिर गया, पानी गिर गया, या फिर ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे शीट पे आपने लेटाया है बच्चा वहीं लेटा हुआ है, आपके मैट्रेसेस जो है वो सेफ रहेंगे इसके साथ। ये वाली शीट्स मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये चार का सेट है, और इसके अंदर क्या है ना, आप इसको एज ए चेंजिंग शीट भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज बेबी को आप कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, आपको नैपी चेंज करने पड़ रहा है, कपड़े चेंज करने पड़ रहे हैं, या फिर घर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा थिक है, पतला नहीं है, ठीक है, तो बेबी के लिए कंफर्टेबल रहेगा। सेकेंडली, इसका जो ये फर्स्ट शीट है वो आपको एक मिला है, वैसे तो दोनों ही वाटर प्रूफ हैं शीट्स, ऐसे शीट्स तीन मिले हैं मुझे इस पैक के अंदर, ये देखिए। तो आप ये चेंज कर सकते हो, सपोज ये गंदा हो गया है, आपको क्लीन करना है, यू कैन रिमूव इट फ्रॉम हियर एंड यू कैन यूज द अनदर शीट। सो दिस वन आई रियली लाइक्ड। ये दो तरह के कैरियर मंगाए हैं हमने, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, एंड ये थोड़ा विंटर्स में भी चल जाएगा। सो आप इसको बच्चे को जब प्ले टाइम है, उसका टमी टाइम है, तब भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मोटा है, ये देखिए, ये ऐसे करके बड़ा हो जाएगा, और ये यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, और इसको कैरी करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये वाला जो कैरियर है ना, इसमें मुझे ये अच्छा लगा ज़्यादा, फैब्रिक और क्वालिटी तो अच्छी है ही, इस बेल्ट की वजह से। इसमें आप बेबी को कैरी करोगे इस तरह से, और उसके बाद बेल्ट से इसको टाइट कर दोगे, जिससे कि बेबी की जो सेफ्टी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद ये कोम और ब्रश का सेट है, ये मैंने मंगा लिया था ऑलरेडी, और इसके अलावा थोड़ा सा सामान और मंगाना था, बट मुझे लगता नहीं था कि ऑफलाइन में अभी उसकी ज़रूरत है। ऑनलाइन गेस बहुत सारा सामान और भी आया है, अगर आपको भी इंटरेस्ट है कि और क्या सामान है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। और उसके साथ साथ ना, अगर आपको लगता है कि मैं कोई सामान मिस कर गई हूँ, आई स्टिल हैव लिटिल बिट टाइम, तो प्लीज़ प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं वो सामान अगर मुझे ठीक लगा तो वो भी मैं मंगा लूँगी। अभी के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि मुझे था कि थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहे, जो भी इस वीडियो को देखे, चाहे कम लोग देखें, पर जो देखे उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो हमारा ऑनलाइन सामान रहेगा, या जो मेरा हॉस्पिटल बैग वाला वीडियो रहेगा, वो भी जल्दी आएगा, उसके अंदर मैं कोशिश करूँगी मैक्सिमम सारे लिंक्स अपलोड कर दूँ, जिससे कि आप डायरेक्टली जाके वो सामान खरीद सकें। और इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहिए, हमारी फैमिली को बेस्ट विशेज की ज़रूरत है, वो बेस्ट विशेज देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं जो भी न्यू मॉम्स हैं, या मॉम टू बी हैं, पेरेंट्स टू बी हैं, उनके साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।